सो हेलो एवरीवन। तो आज जिस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं दैट इज रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारा जो टारगेट है कि फटाफट रिवीजन करें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम्स के लिए आने वाले हैं उसको कवर करना, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में है कि सर रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। तो रूरल डेवलपमेंट सर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। ये कैसा टर्म है? कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ही बड़ा टर्म है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट को कवर करता है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, जो फोकस करता है कि हम एग्रीकल्चर को भी डेवलप करेंगे, पॉवर्टी को भी हटाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करेंगे और अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लाएंगे। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और इसीलिए रूरल डेवलपमेंट में हम किस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट करने वाले हैं इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब ऑब्वियसली जब डेवलपमेंट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम फेस करते हैं दैट इज चैलेंजेस, कि भाई रूरल डेवलपमेंट में क्या वो दो चैलेंजेस है जो हम फेस करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है रूरल क्रेडिट और दूसरा है रूरल मार्केटिंग। ठीक है, तो दो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग। चलिए अब रूरल क्रेडिट को शुरू करते हैं। तो रूरल क्रेडिट में बेसिकली कितने क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट? तो रूरल क्रेडिट को कवर करता है टोटल 3 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो कवर करता है वो ये है कि फार्मर्स को क्रेडिट की जरूरत क्यों होती है, व्हाई फार्मर्स रिक्वायर्स क्रेडिट, राइट? सेकेंड है कि अब फार्मर्स को क्रेडिट की जरूरत है तो सरकार ने क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए इस क्रेडिट को प्रोवाइड कराने के लिए, और उनके क्रिटिसिजम्स मतलब कि जो सरकार ने क्रेडिट सिस्टम्स लाए हैं क्या वो सही थे या गलत। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि सर फार्मर्स को क्रेडिट की जरूरत ही क्यों होती है। तो उसका कारण ये है कि सर मेजोरिटी जो हमारे देश के फार्मर्स है, एक सेकेंड, तो हमारे देश के जो मेजोरिटी फार्मर्स है वो कैसे हैं? स्मॉल और मार्जिनल। स्मॉल और मार्जिनल मतलब जिनकी बहुत ही छोटी लैंड है और ज्यादा कोई सेविंग्स नहीं होती। अब हमें पता है कि एग्रीकल्चर में आता है एक गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है फ्रॉम सोइंग टिल हार्वेस्टिंग, और ये कैसा पीरियड है? जहां जहां फार्मर्स को चाहिए पैसे, क्योंकि ये पीरियड में एग्रीकल्चर से कोई पैसा आने वाला नहीं है और इसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और इस वक्त फार्मर्स को पैसे चाहिए होते हैं फॉर परचेज ऑफ इनपुट्स एज वेल एज फॉर देयर पर्सनल पर्पस। तो भाई इनपुट्स परचेज करने के लिए उन्हें चाहिए होता है प्लस पर्सनल पर्पस के लिए। अब पर्सनल पर्पस मतलब सर घर में कोई शादी हो, घर में कोई फंक्शन हो, घर में कोई डेथ सेरेमनी हो, इस वक्त उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है और एग्रीकल्चर से पैसे नहीं आता बिकॉज ऑफ गेस्टेशन पीरियड। अब इसके लिए अब ये लोग लोन मांगते हैं। अब बैंक तो उन्हें लोन नहीं देगा। बैंक क्यों नहीं देगा उन्हें लोन? बैंक उन्हें लोन क्यों नहीं देगा? क्योंकि बैंक हमें उन्हें लोन इसलिए नहीं देगा क्योंकि बैंक मांगती है कोलैटरल, और मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारे जो मेजोरिटी फार्मर्स है वो कैसे हैं? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो बैंक तो उन्हें लोन देगा नहीं, तो आखिर में दे एंड अप टेकिंग लोन फ्रॉम होम मनी लेंडर्स। तो सर आखिर में वो लोग लोन लेने लग जाते हैं मनी लेंडर से, जो काफी ज्यादा हेवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और ये लोग किस में फंस जाते हैं? डेब्ट ट्रैप में, राइट? तो काफी ज्यादा क्या लेने लग जाते हैं? इंटरेस्ट, और जिसकी वजह से ये लोग किस में फंस जाते हैं? डेब्ट ट्रैप में। तो बेसिकली इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि सर फार्मर्स को पैसे की जरूरत क्यों होती है, फार्मर्स को क्रेडिट की जरूरत क्यों होती है। तो चलो रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात कि सर जो मेजोरिटी फार्मर्स है वो कैसे हैं? स्मॉल और मार्जिनल। सेकंड, फार्मिंग में वो लोग क्या फेस करते हैं? गेस्टेशन पीरियड। इस गेस्टेशन पीरियड में इनको क्या चाहिए होता है? पैसा। अब पैसा उनको क्या चीज के लिए चाहिए होता है? दो चीज के लिए, एक तो इनपुट खरीदने के लिए और एक पर्सनल पर्पस के लिए। अब मनी लेंडर्स के पास क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि बैंक जो है उन्हें पैसा देगा नहीं, क्योंकि वो लोग कोलैटरल मांगते हैं, और मनी लेंडर उनसे क्या चार्ज करते हैं? बहुत ही ज्यादा हैवी इंटरेस्ट, और इसकी वजह से वो लोग इसमें फंस जाते हैं? डेब्ट ट्रैप। चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। नाउ क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज जो पहला रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने वो था 1969 में, क्या इंट्रोड्यूस किया? सोशल बैंकिंग। अब क्या होता है सोशल बैंकिंग? सोशल बैंकिंग का मतलब होता है कि आपको लोन प्रोवाइड कराना है एट अ वेरी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई गवर्नमेंट ने क्या किया? सभी प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब क्या हो गया? पब्लिक कंपनी कर दी, और कह दिया कि अभी बैंक का पर्पस जो है वो फार्मर्स को जब लोन देंगे तो वो प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं देंगे, एक तरीके की सेवा कर रहे हो, उन्हें कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दोगे, आपका पर्पस उनसे प्रॉफिट कमाना नहीं है। और इसी से एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सोशल बैंकिंग, जहां इंटेंशन ये है कि हम अब फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करेंगे एट अ वेरी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये चीज क्लियर है? अब 1982 में क्या हुआ? नाबार्ड बना। अब व्हाट इज नाबार्ड? हमें नाबार्ड पता है सर, ये नाबार्ड क्या है?
नाबार्ड के बारे में समझते हैं। तो नाबार्ड एक एपेक्स बैंक है। नाबार्ड क्या है? एपेक्स बैंक। अब किसके लिए एपेक्स बैंक है? वो सभी बैंकों के लिए जो किसमें एंगेज्ड है, रूरल क्रेडिट में। तो वो सभी बैंक जो रूरल क्रेडिट में एंगेज्ड है उनका एपेक्स कौन है? नाबार्ड। ठीक है, तो भाई जैसे हमारे इंडिया में कमर्शियल बैंक का एपेक्स बैंक कौन है? आरबीआई। वैसे जो वो बैंक जो रूरल क्रेडिट में एंगेज्ड है उनका एपेक्स बैंक कौन है? नाबार्ड। अब ये नाबार्ड क्यों बना? ताकि कोऑर्डिनेट करे वो सभी एक्टिविटीज ऑफ ऑल दी बैंक्स व्हिच इज एंगेज इन व्हाट? रूरल क्रेडिट। तो भाई इनके एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए नाबार्ड बना। कैच इज क्लियर। और सेकेंड इनका काम है कि भाई इंश्योर करे कि जो हमने सोचा था कि जो लोन है वो एग्जैक्टली उन्हीं को मिले जो सबसे ज्यादा नीडेड है, दैट इज पुअर फार्मर्स। वो जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है वो तरीके से प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं, वो कौन इंश्योर करता था? नाबार्ड। तो भाई नाबार्ड क्यों बना? ताकि सभी बैंक जो रूरल क्रेडिट में एंगेज है उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए और क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम सही होने के लिए। क्रेडिट डिलीवरी मतलब जो लोन है वो नीडेड फार्मर्स को पहुंच रहा है कि नहीं, वो कौन चेक करेगा? नाबार्ड। तो गाइस अभी तक हमने ये रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया कि 1969 में सोशल बैंकिंग हुआ और 1982 में क्या बना? नाबार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि वन सेकेंड, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या क्रिटिसिजम्स सॉरी और क्या क्या चीजें नाबार्ड ने इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो नाबार्ड के अंदर टोटल कितनी सारी बैंक एंगेज थी? तो टोटल चार बैंक एंगेज थी। फर्स्ट इज आरआरबी, सो सॉरी, पहली जो बैंक थी उसे हम बोलते हैं आरआरबी, सेकंड को बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा है हमारा लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखूं तो इसको बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक, और चौथी बैंक कौन सी थी? कमर्शियल बैंक। तो टोटल चार बैंक इन्वॉल्व थी, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक। अब आरआरबी का काम क्या था? आरआरबी का मतलब है रीजनल रूरल बैंक। इस बैंक का नाम क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक। अब इनका काम क्या था? इनका काम था लोन देना। किसको देना लोन? वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वो सेक्शन जिसको नॉर्मल बैंक्स लोन नहीं दे पाती क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं है। तो उन वीकर सेक्शन को जो कहाँ लोकेटेड है? बैकवर्ड एरिया में। तो सर जो बैकवर्ड एरिया में वीकर सेक्शन है उनको लोन देने के लिए कौन बना था? रीजनल रूरल बैंक। क्या चीज याद रहेगा? अब आरआरबी जो है ये ऑपरेट कहाँ करता था? तो ये पता होना चाहिए कि सर ये ऑपरेट करता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये ऑपरेट करके ये उन्हें लोन देता था जो सोसाइटी के जो मोस्ट वीकर सेक्शन है, जो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए आरआरबी बना था, राइट? अब हम बात करें अगर कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? तो कुछ फार्मर्स मिलते हैं, अपना पैसा पूल करते हैं और एक बैंक बनाते हैं जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। अब इन कोऑपरेटिव बैंक्स में जनरली ये लोग लोन किसको देते हैं? अपने ही मेंबर्स को लोन देते हैं। कैसे फॉर्म में देते हैं अपने मेंबर्स को लोन? एट अ वेरी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई कोऑपरेटिव बना है अपने मेंबर्स के फायदे के लिए। तो कोऑपरेटिव बैंक है जो क्रेडिट प्रोवाइड कराता था टू एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या रेट पे? कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कराता था। किसको प्रोवाइड कराता था? अपने ही मेंबर्स को। तो अपने ही मेंबर्स को सस्ते लोन देने का काम जो था वो कोऑपरेटिव बैंक करता था। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको एडवाइजरी सर्विस देता था रिगार्डिंग डाइवर्स एग्रीकल्चर ऑपरेशन। जिसका मतलब क्या हुआ? देखो कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर्स कौन है? फार्मर्स। अच्छा, फार्मर्स ही इसके मेंबर्स है तो फार्मर्स को अच्छी खासी आइडिया होती है कि कौन से क्रॉप की डिमांड है, कौन से क्रॉप में मार्केट में अच्छा खासा प्राइस मिल सकता है, और इस तरह से वो बाकी फार्मर्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये क्रॉप्स इस बार का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ पैसा नहीं देता था, साथ साथ में एडवाइजरी सर्विस देता था। और तुम्हें याद रखना है कि कोऑपरेटिव बैंक की खास बात क्या है? एडवाइजरी सर्विस। आरआरबी की खास बात क्या है? वीकर सेक्शन को वो भी बैकवर्ड एरिया में लोन देते थे। अब तीसरा जो मैंने बात की वो है लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक का काम ये है कि सर आपको डेवलपमेंट ऑफ लैंड मतलब लैंड के डेवलपमेंट के लिए आपको पैसा देंगे, जैसे आपको इरिगेशन फैसिलिटी या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो या पुराना लोन चुकाने के लिए, तो रीपेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन या लोन टेकन एज अ
लैंड वॉज गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड, तो ये दो पर्पज के लिए लोन देते थे। और इसकी खास बात ये है कि जिस लैंड पे डेवलपमेंट करना है उसी लैंड को ये लोग कोलैटरल ले लेते थे, राइट? तो लैंड डेवलपमेंट बैंक का क्या काम है, सर यहाँ आप लोन ले सकते हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड, प्लस आपका पुराना कोई लोन हो उसको चुकाने के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक बना था। और आखिरी में कौन सा है, कमर्शियल बैंक। अच्छा, कमर्शियल बैंक का क्या काम है, इनका काम है कि आपको हम देंगे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन। तो कमर्शियल बैंक का काम है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन। चलिए, तो नाबार्ड के हमने चार पॉइंट्स कवर अप कर लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि सर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस तो बहुत कुछ किया, जैसे क्या क्या चीज इंट्रोड्यूस किया। 1969 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, 1969 में सोशल बैंकिंग इंट्रोड्यूस कर दिया, 1982 में नाबार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, और चार अलग अलग बैंक्स इंट्रोड्यूस की, आरआरबी इंट्रोड्यूस किया, फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक। पर इन सब में एक प्रॉब्लम थी, और इन सब की एक प्रॉब्लम क्या थी कि ये जितने भी बैंक है ये लोग रूरल एरियाज में लोन तो दिया, पर ये किसको लोन देते थे, ये सर उन्हीं को लोन देते थे। ये लोग लोन किसको देते थे, ये उन्हीं फार्मर्स को लोन देते थे जिनके पास कोलैटरल है। इसका मतलब वो फार्मर्स कौन हुए, रिच फार्मर्स। तो इसका मतलब ये जितने भी बैंक से ये कोई काम के नहीं है उन फार्मर्स के लिए जिनके पास कोलैटरल नहीं है, जो कि कौन है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। तो जो मेन प्रॉब्लम थी वो अभी भी थी, ये सर इन्होंने रूरल क्रेडिट तो बढ़ाया पर जिसको दिया वो नीडेड फार्मर्स नहीं थे, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स नहीं थे, राइट? और इसीलिए वहां से शुरुआत होती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये इसको कहा जाता है इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। इनको क्यों इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है, बिकॉज सर ये नाबार्ड के अंडर नहीं आता, तो जो नाबार्ड के अंडर आता है उसे हम फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं, और जो नाबार्ड के बाहर है उसे हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये होता क्या है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, इसको हम करेक्ट नाम दिया जाता है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। इसको हम क्या नाम दिया जाता है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। सर ये काम क्या करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सर वो फार्मर्स जिनको बैंक से लोन नहीं मिला, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हम अपनी मदद खुद करेंगे, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की मदद खुद करो। इन्होंने कहा कि क्या करते हैं कि हम अपनी थोड़ी सी सेविंग्स करते हैं, सभी को कहा कि आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करो, और ये जितनी भी सेविंग्स है वो हम क्या करेंगे, एक जगह पैसा पूल करेंगे, राइट? सो प्रमोट सेविंग्स अमॉन्ग द मेंबर्स, ऑब्वियसली इनके मेंबर्स को बोलेंगे सेव करो, और उस पैसे को ये लोग क्या करेंगे, पूल करेंगे, और फिर ये लोग क्या देंगे, लोन। अच्छा, ये लोन किसको देंगे, ये लोन देंगे सभी नीडेड मेंबर्स को एट अ वेरी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस नो कोलैटरल। तो गाइस ये कैसे वर्क करता है कि ये सभी फार्मर्स ने क्या कहा कि हम अपनी सेविंग्स को पूल करेंगे और फिर लोन देंगे नीडेड फार्मर्स को। तो गाइस ये इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, इसको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अंदर हम लोग पैसा को पूल करते हैं फ्रॉम द सेविंग्स एंड गिवन द लोन टू द नीडेड फार्मर्स। टोटल ये इतना जबरदस्त चला कि टोटल 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप वॉज फॉर्म, तो टोटल 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, राइट? अब इसकी खास बात ये है कि इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत फोकस किया। क्यों वुमेन एम्पावरमेंट में, क्योंकि सर सेल्फ हेल्प ग्रुप में सबसे कम चांसेस है कि फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में वुमेन्स को लोन मिले, तो सभी वुमेन्स ने अपनी खुद का एक ग्रुप बनाया और खुद वुमेन्स को लोन देते थे। और वुमेन एम्पावरमेंट में या रूरल एरियाज में वुमेन के बिजनेस को बढ़ाने में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। चलिए इनके ऊपर एक एलिगेशन है, इनके ऊपर क्या एलिगेशन है कि देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, हर एक बैंक जो है जनरली लोन किस पर्पस के लिए देता है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए। क्यों, क्योंकि वो कमाएगा तो ही तो मेरा पैसा चुका पाएगा। पर सेल्फ हेल्प ग्रुप में जनरली लोन देते थे कंजम्पशन पर्पस के लिए, मतलब घर के खर्चों के लिए, जहां रिस्क ज्यादा है कि पैसा आएगा कि नहीं, राइट? तो गाइस सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 माह के लिए पूछ सकते हैं, 4 माह के लिए और 3 माह के लिए, सभी के लिए ये प्रॉपर बैठता है, तो इसको तो करना ही है, राइट? नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है सर, इट इज अ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। ये क्यों बना है, टू फिल अप द गैप ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। सर ये क्या करता है, ये सेविंग्स, राइट? लोगों को बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करो और उस सेविंग का पैसा पूल करेंगे और नीडेड फार्मर्स को प्रोवाइड कराएंगे। इनका एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में, एंड 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बना। पर इनके ऊपर सिर्फ एक ही एलिगेशन है कि जनरली ये पैसा कंजम्पशन पर्पस के लिए देते हैं, हालांकि जिसके लिए देना चाहिए वो क्या है, किस पर्पस के लिए देना चाहिए इनको, बिजनेस पर्पस के लिए।
चलिए अगर हम इसके जितना भी हमने पढ़ा कि सर 1969 में सोशल बैंकिंग, 1982 में नाबार्ड, अलग अलग टाइप के बैंक्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके बाद आखिर में हम इसके क्रिटिसिजम्स पे आ जाते हैं। कि चलिए सर गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स तो लाए पर इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है रूरल क्रेडिट में जो आज भी है, जो आज भी क्रिटिसाइज करते हैं। गवर्नमेंट की क्या ऐसी पॉलिसी है जो आज भी क्या होती है, क्रिटिसाइज। तो पहला है कि सर जैसे मैंने बात की कि जो छोटे फार्मर्स हैं उन्हें उनको तो लेफ्ट आउट कर दिया फ्रॉम गिविंग व्हाट लोन, राइट, फ्रॉम गिविंग व्हाट लोन, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, कोलैटरल। क्योंकि सर उनके पास कोलैटरल नहीं है, उन्हें लोन नहीं मिलता था, तो सर फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम जो है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है जिनको, उनको तो उन्होंने अवॉइड ही कर दिया क्योंकि लोन इनको दे नहीं सकते थे। सेकेंड सर पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। पॉलिटिकल पॉपुलिज्म ये कहता है कि सर देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि फार्मर्स जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो जनरली जो पॉलिटिशियंस है वो कभी इतने सीरियस नहीं थे या कभी इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे इन रिकवरी ऑफ लोन। तो किसी फार्मर्स को लोन देते थे तो कभी इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लिया कि फटाफट उनसे पैसा कैसे लिया जाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी वजह से एक्चुअली डिफॉल्ट रेट जो है वो काफी ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस कारण की वजह से डिफॉल्ट रेट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अभी लोगों को लगता है काई को पैसा दे, जब गवर्नमेंट ही इतनी सीरियस नहीं है, कोई इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने सोचा चलो हम इसका पैसा नहीं चुकाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कभी स्ट्रिक्ट थी नहीं। और गवर्नमेंट क्यों स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक था। और तीसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये जो बैंक्स है इन्होंने कभी भी एक हैबिट ही नहीं क्रिएट किया, या जिसे बोलते हैं कल्चर ही नहीं क्रिएट किया फार्मर्स को कि आप अपनी सेविंग्स को बैंक में चुका दो। क्यों? क्योंकि सर जितनी ज्यादा वो सेविंग करेंगे उतना बैंक लोन दे सकता है, उतना ज्यादा रूरल क्रेडिट बढ़ सकता है, पर उसके लिए सेविंग्स तो बैंक में जमा करानी पड़ेगी, तो वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाया कि जिसकी वजह से लोग बैंक में पैसा जमा करा सके और लोग सिक्योर फील नहीं करते थे। तो तीन कारण स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लेफ्ट आउट किया, सेकेंड जो है वो है पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, और तीसरा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने वो कल्चर नहीं लाया कि लोग सेविंग करें और उस पैसे को मोबिलाइज करें लोन देने के लिए। गाइस क्लियर? और इसी के साथ रूरल क्रेडिट का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ने वाले हैं कि सर क्या होता है रूरल मार्केटिंग, क्योंकि सर रूरल मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें भी पूछते हैं ना। तो सर रूरल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, पहला सवाल यही है कि सर एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता क्या है। तो दूसरा चैलेंज जो है वो रूरल मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग का मतलब ये है कि वो सभी एक्टिविटीज जो शुरू हो जाती है आफ्टर हार्वेस्टिंग टिल द क्रॉप इज सोल्ड इन द मार्केट, टिल द क्रॉप इज सोल्ड इन द मार्केट। तो वहां तक जितनी भी एक्टिविटीज है, जिसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आती है गाइस, क्रॉप जो निकाला उसका प्रोसेस करना, उसकी ग्रेडिंग करना, उसकी पैकेजिंग करना, उसका स्टोरेज करना और आखिर में सेल करना, तो ये सारी एक्टिविटीज को हम किसके अंदर लेंगे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो बेसिकली सर आफ्टर हार्वेस्टिंग जो जो एक्टिविटीज आती है उन सबको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कैच इज क्लियर हुआ? तो सर आफ्टर द हार्वेस्टिंग व्हाट एवर द एक्टिविटीज कम टिल द क्रॉप इज सोल्ड टू द कस्टमर, वो सभी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कैच इज क्लियर? नाउ अब क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक तो क्रेडिट नहीं मिलना और एक तो बेचना। क्यों? सबसे पहला प्रॉब्लम है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स बाय मनी लेंडर्स। सर ये जो बेचारे फार्मर्स होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते और उसका फायदा मनी लेंडर्स उठाते हैं, उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, अनफेयर प्राइस देते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्राइस रिगिंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अकाउंट्स के साथ मैनिपुलेट करते हैं। सेकेंड इज सर इनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है और स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने की वजह से इनको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है। व्हाट इज डिस्ट्रेस सेल, थोड़ा ध्यान से सुनना, जो भी आउटपुट फार्मर्स ने बनाया, राइट, अब एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी जो बनता है वो एक साथ तो कंज्यूम नहीं होगा, उसको वक्त लगेगा बेचने में। अब उस वक्त उनको ये पैसा कहाँ रखना पड़ेगा, ये जो जो भी अनाज है, जो भी क्रॉप है, वो उन्हें रखना पड़ेगा वेयर हाउस में। अब वेयर हाउस में उनके पास तो है नहीं, राइट, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो वेयर हाउस में नहीं रखेंगे तो उनका अनाज खराब हो जाएगा, तो उनको क्या करना पड़ता है, ये मिडल मैन को बेचना पड़ता है एट अ वेरी लो रेट। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं नहीं बेचूंगा तो मेरे सारा क्रॉप अनाज खराब हो जाएगा, तो फिर मुझे जो मनी लेंडर कहता है वो मुझे बात माननी पड़ती है, और मनी लेंडर्स बहुत ही कम प्राइस में खरीदता है और बहुत ही हाई प्राइस में मार्केट में बेचता है, राइट। तो उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी है और जिसकी वजह से क्या पड़ता है कि हमें बहुत ही कम प्राइस में बेचना पड़ता है, और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल।
तो पहला तकलीफ है कि अकाउंट मैनिपुलेशन होना, दूसरा मनी लेंडर्स की वजह से डिस्ट्रेस सेल होता है, और तीसरा मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है, कौन से क्रॉप की डिमांड है कि उसके हिसाब से प्रोड्यूस कर सके। क्या चीज क्लियर? अब जो ये चैलेंजेस है इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए जिसके थ्रू ये ठीक हो जाए, तो आंसर इज यस, जरूर लाया सर गवर्नमेंट ने। पहली चीज जो गवर्नमेंट ने लाया वो ये है कि सबसे पहले उन्होंने गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटेड मार्केट बनाया। अब क्या होता है रेगुलेटेड मार्केट? सर एक ऐसा मार्केट, तो सर एक रेगुलेटेड मार्केट बनाया जिसके अंदर एक मार्केटिंग कमेटी होगी, और इस मार्केटिंग कमेटी में कुछ क्या होंगे, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव। और इस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि वो इंश्योर करे कि इस मार्केट में कैसा ट्रेड, कैसा प्रैक्टिस हो रहा हो, फेयर ट्रेड। फेयर ट्रेड मतलब कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है, कोई डिफॉल्टी वेट्स नहीं लगा रहा है, और इस तरह से फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। वो इंश्योर करता है कि मार्केट में कोई तरह की चीटिंग ना रहे, राइट? तो क्या करा गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने हर एक मंडी को बाहर एक रेगुलेटेड मार्केट बना दिया जिसके अंदर एक कमिटी होगी, और उस कमिटी में कुछ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और वो इंश्योर करेंगे कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रहा है, कोई तरह का मैनिपुलेशन, माल प्रैक्टिसेस चीजें नहीं चल रही। सेकेंडली, सरकार ने कहा कि हम आपको वेयरहाउसिंग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सब उनके पास वेयरहाउस नहीं है, तो डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, कम भाव में बेचना पड़ता है। तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, हम वेयरहाउस बनाएंगे आपके लिए, आप बस आके उसका रेंट पे करो, और जब आपको लगता है बेचने का तब बेचो। इसका मतलब क्या है कि आप डिस्ट्रेस सेल को अवॉइड कर सकते हो, और जब आपकी इच्छा हो तब आप बेच सकते हो एट अ वेरी हायर प्राइस। क्या चीज क्लियर हुआ? तीसरा, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मैंने कहा था ना कि कोऑपरेटिव का काम है सब लोग मिलजुल के काम करना टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब सर ये लोग फार्मर्स को कहा गया कि आप क्यों ना एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाओ। उससे फायदा ये है कि आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओगे तो जो भी इनपुट है सबको एक ही खरीदना है, तो बल्क में इनपुट खरीद सकते हो, तो आपके काफी, यू कैन परचेज द इनपुट एट अ वेरी लोअर प्राइस, और जो भी आउटपुट भी बेचोगे वो काफी, किस प्राइस में बेचोगे, फेयर प्राइस में, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ सकता है। तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज बनाओ। और आखिर में है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज लाई इस इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। सबसे पहला है मिनिमम सेलिंग प्राइस। क्या होता है सर मिनिमम सेलिंग प्राइस? मिनिमम सेलिंग प्राइस मतलब गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देता है, और उस प्राइस पे गवर्नमेंट जितनी जितनी क्वांटिटी है सारी खरीद लेगा। फॉर एग्जाम्पल एमएसपी है, लेट्स से मार्केट का भाव चल रहा है 60 रुपीज पर केजी। अब उतने से फार्मर्स का कोई फायदा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपसे 80 रुपीज पर केजी होगा, तो बाकी जो 20 है वो कौन बेयर कर रहा है? गवर्नमेंट। सेकेंड, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा क्या आने वाला है? बफर स्टॉक। और इस बफर स्टॉक से वो लोग क्या देने वाले हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? तो अब रिफॉर्म्स हमने कंप्लीट किया गवर्नमेंट ने, पर इसमें प्रॉब्लम एक है। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लाए हैं ये खाली कितना कवर करता है? 10% ऑफ मार्केट शेयर। तो जो बाकी के बचे हैं उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए सोचा कि सर क्यों ना हम डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? कि सर आपकी लैंड को यूज करो बट एग्रीकल्चर नहीं, कुछ और पर्पज के लिए। तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल इज डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन। इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप, कि एक ही क्रॉप बनाने से अच्छा है मल्टी क्रॉपिंग करो। मल्टी क्रॉपिंग करने के बहुत सारे फायदे। पहला, आप प्राइस रिस्क से बच जाते हो। कैसे प्राइस रिस्क से बच जाते हैं? ये मार्केट में जिस चीज क्रॉप की डिमांड है मैं वही बनाऊंगा, जिसकी डिमांड नहीं है मैं वह नहीं बनाऊंगा। सेकेंड क्या है? सेकेंड पॉइंट, पहला है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में, क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफाई करो, एक क्रॉप से अच्छा मल्टी क्रॉपिंग करो, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ती है। और दूसरा है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी डाइवर्सिफाई करो, मतलब नॉन फार्म एक्टिविटीज में जाओ, ताकि आप कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूट करो, चाहे वो एग्रो प्रोसेसिंग हो, चाहे वो कॉटेज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, जिससे फार्मर्स की इनकम जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्या चीज क्लियर? तो यहां तक हमने कंप्लीट किया। तो सर हमने क्या कंप्लीट किया कि सर व्हाट आर द रिफॉर्म्स या व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू इंप्रूव रूरल मार्केटिंग। तो पहला है भाई कि आपको या तो डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, या दूसरा है ऑल्टरनेटिव चैनल्स ढूंढो, जहां मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो, राइट? तो दो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर कुछ और भी बातें हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, राइट? कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर और क्या बातें सर? रूरल डेवलपमेंट के अंदर तीन चार चीजें हैं जो छोटी छोटी है, जो हमें कवर करना है। सबसे पहला एनिमल हस्बेंड्री।
हमने बात की थी सर, देयर आर सम अदर आल्सो सोर्सेज जहां फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सकते हैं, उसमें वन ऑफ दी सोर्सेज एनिमल हस्बेंड्री। नाउ एनिमल हस्बेंड्री मतलब बीआरसी, ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग, राइट। तो सर ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ विच एनिमल्स? एनिमल्स जैसे पोल्ट्री, राइट, चिकन जो होता है वो, पोल्ट्री फार्मिंग हो, गोट फार्मिंग हो, राइट। तो इन सब की फार्मिंग में हम क्या करेंगे कि सर ब्रीडिंग, रेजिंग एंड केयरिंग, ये तीन चीजें करेंगे एनिमल्स के लिए। जहाँ एनिमल हस्बेंड्री में सबसे ज्यादा मेजोरिटी लोग किसको कंट्रीब्यूट करते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग, जो कि कितना कवर करता है? 58%। चलो बात करते हैं डेयरी, और डेयरी बात करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। देखो सर क्या होता था, पहले जो है मिल्क की इतनी डिमांड थी पर उतना प्रोडक्शन नहीं था, और इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा? इंपोर्ट, राइट। अब गवर्नमेंट ने सोचा नहीं यार, इस सिचुएशन को ठीक करना है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि कोई नहीं, हम 1965 में एक बोर्ड बनाएंगे जिसको बोलते हैं एनडीडीबी बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और उसी 1970 में हम एक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे जिसे बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, राइट। अब क्या होता है ऑपरेशन फ्लड? तो बेसिकली इस ऑपरेशन फ्लड में कहा गया फार्मर्स को वन सेकेंड गाइस, किसको कहा गया? फार्मर्स को कहा गया कि देखो आपको कुछ नहीं करना है, कि आप सारे मिल को पूल करो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेडिंग, राइट। तो अलग अलग फैट के हिसाब से ग्रेड करो, फिर ग्रेडिंग करने के बाद इसको प्रोसेस और मार्केटिंग करने का काम किसका है? अर्बन एरिया की जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो सर जो ये मेंबर्स है ये इनको पूल करके दूध लाके देंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेडिंग, और उसके बाद इसको प्रोसेस करके मार्केटिंग करने का काम जो है वो किसकी होती है? कोऑपरेट्स होती है, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसकी। इससे फायदा ये हुआ कि फार्मर्स को एक स्टेबल इनकम मिल गई, क्योंकि प्राइस जो है वो पहले से प्री डिटरमाइंड था। और फार्मर्स को क्या मिल गया इसकी वजह से? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस है, और इसी को कहते हैं हम लोग डेयरी फार्मिंग। और इसकी वजह से कितने टाइम्स मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा? तो इट इज 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स मिल्क प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हुआ। क्या चीज क्लियर हुआ? तो सर डेयरी क्या था? डेयरी एक कॉन्सेप्ट था जो 1965 में एनडीडीबी बना था, 1970 में डेयरी था, जिसके अंदर सभी फार्मर्स को कहा गया कि जितना भी मिल्क प्रोसेस है उसको ग्रेड करके पूल करो, फिर उसको फर्दर प्रोसेस करने का काम जो है वो किसका होगा? बड़े, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करने का काम किसका होगा? कोऑपरेटिव मेंबर्स का होगा। और इसकी वजह से फार्मर्स का टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितने टाइम से बढ़ गया? 8 टाइम्स से। कैच इज क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट इज फिशरी। अब फिशरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, फिशरी इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बन सकता है। सर ये कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है? तो खाली 0.8%, जो इतना बड़ा नहीं है, राइट। इनलैंड मतलब फिशिंग दो तरीके से होती है, विद इन इंडिया या आउटसाइड। तो इनलैंड सोर्स 64% है, मरीन से 36% है, मतलब आज भी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है फिशरी में वो इनलैंड सोर्स से आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम है कि वहाँ इलिटरेसी बहुत है, और इलिटरेसी होने की वजह से पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है, और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? सर हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबर क्रॉप्स, टी, कॉफी, रबर, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें बनाने को हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। अब इसकी खास बात देखो कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है आउटपुट का? आउटपुट का 1/3, 1/3 आउटपुट इज ओनली कमिंग फ्रॉम हॉर्टिकल्चर, जो कि 6% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर को। कैच इज क्लियर, राइट। और लास्ट पॉइंट ये है कि इसकी वजह से आखिर में क्या हुआ था? गोल्डन रेवोल्यूशन। कैच इज क्लियर। अब हम आते हैं आखिरी टॉपिक पे, और वो जो आखिरी टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज करना, मतलब ना ही केमिकल्स यूज करना, ना ही पेस्टिसाइड्स यूज करना, खाली का सारे ऑर्गेनिक इनपुट्स मतलब जो इको फ्रेंडली है वो यूज करना। कैच इज क्लियर। इसके फायदे क्या है? सर ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, सर इससे कोई टॉक्सिक क्रिएट नहीं होता, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, ऑब्वियसली फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल गेट रिमेन, वाई? बिकॉज हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर रहे हैं।
थर्ड क्या है, डिस्कार्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. व्हाट डू मीन बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? वो रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते, जैसे प्लास्टिक, उसको मत यूज करो, और खाना कैसा खाओ, हेल्दियर एंड टेस्टियर. व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस ये है कि सर इसके अंदर यील्ड बहुत कम है, क्योंकि सर ऑब्वियसली एरिया भी बहुत कम करेगा, इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बहुत कम है. क्योंकि सर ये जल्दी खराब हो जाता है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब ले लो. एंड लिमिटेड क्रॉप प्रोडक्शन ड्यूरिंग ड्यूरिंग ऑफ सीजन. तो सर ऑफ सीजन में तो प्रोडक्शन भी नहीं करते, तो ये सारी उसकी लिमिटेशंस है. तो इसी के साथ गाइस हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया, जिसके अंदर हमने पढ़ा, चलो फटाफट रिवाइज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदा क्या है कि सर ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. दूसरा क्या है कि सर ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, नॉन रिन्यूएबल को यूज नहीं करता, और हेल्दी और टेस्टी फूड मिलता है. लिमिटेशन है लो यील्ड, मतलब उतना ज्यादा आउटपुट नहीं आता जितना ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद HYV सीड से आ रहा था. सेकंड, शेल्फ लाइफ बहुत ही कम है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो बहुत जल्दी कंज्यूम करना पड़ेगा, और ऑफ सीजन में प्रोडक्शन काफी लिमिटेड रहता है. क्या चीज क्लियर? तो इसी के साथ हमने रूरल डेवलपमेंट के पूरे चैप्टर के रिवीजन कर लिया. आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर. थैंक यू.